शेरगिल, हमारे बच्चे। देखो मैं पापा बन गया, मम्मी के पास जाना है। आराम से आराम से। दी। फाइनली बन गई। आपने अपने दोनों बच्चों को इस दुनिया में लेकर आई। ये दोनों तुम्हारा अंश है दृष्टि, एकदम तुम्हारी परछाई है। और इन्हें ध्यान से देखो, इन दोनों में तुम दोनों की छवि नजर आती है। और तुम्हारी सारी शक्तियां भी इन्हीं को मिलेंगी। और एक दिन आएगा जब शिव वरदानी काल विजय रत्न इन दोनों को मिलेगा। शक्ति ने शक्ति को जन्म दिया है, पिशाचनी, लाल चकोर या कोई और, कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिव्या, अब तुम अपनी बहन के पास रुको, इसका ध्यान रखो। मुझे हमारे बच्चों को लेकर जाना पड़ेगा। नानू ने कहा था कि बच्चों का जन्म होते ही उन्हें एक सुरक्षित कमरे में रखना है, इसलिए मुझे इन्हें ले जाना पड़ेगा। नानू ने उस कमरे के चारों तरफ एक रक्षा कवच बना दिया है अपनी शक्तियों से। वहाँ हमारे दोनों बच्चे सुरक्षित रहेंगे। उस रक्षा कवच को लाल चकोर, पिशाचिनी कोई भी नहीं भेज सकता। वाह रक्षित, तुम्हारे नानू कितने ग्रेट है सच में। दोनों बच्चों के आते एक सुरक्षित जगह भी बना दी। आखिर नानू किसके हैं? ले जाऊं? बच्चों की टेंशन बिल्कुल मत लो, रक्षित ने कहा है ना, बच्चे एकदम सुरक्षित रहेंगे। बेटू रोते नहीं, नहीं रोते, मैं नानू हूँ पर नानू। पर नानू बेटा। ओए हाँ बच्चों, जो अपने नाती से बहुत प्यार करते मैं भी तुम दोनों को ना बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा मैं अपने काल विजय रत्नों से प्यार करता हूँ। हाँ बेटा, और तुम दोनों ही तो ले जाओगे मुझे उस रत्न के पास, है ना बच्चों? चलो आज
पर नानू तुम्हें कहानी सुनाते हैं, एक शैतान के जन्म की कहानी। तत्व, मायावी और काल विजय, ये तीनों रत्न हमेशा से मेरे पास ही थे, पर तीनों रत्न शापित थे और उस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे एक सर्वत थी, एक पवित्र आत्मा, पवित्र मन, एक पवित्र इंसान की, और वो थी मेरी सबसे योग्य शिष्य विद्या। एक वही थी जो उन रत्नों को श्राप मुक्त कर सकती थी, पर उसी दौरान अनहोनी हो गई। साक्षिनी ने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे दो शिष्यों को मार के उनसे तत्व और मायावी रत्न छीन लिए, पर मैंने उसे काल रत्न तक नहीं पहुंचने दिया।